नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, सभी पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल जाए। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। HSSC CET यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बिग ब्रेकिंग अपडेट है। ग्रुप सी मेंस एग्जाम कब होगा और ग्रुप 56 और 57 का पेपर कब होगा और ग्रुप सी डाटा जारी, हाई कोर्ट केस ब्रेकिंग FIR आदेश और HSSC केस के ऑर्डर जारी कब तक होंगे, ठीक है, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करते इन्फॉर्मेशन आपसे मिस होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए, यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने कितने बच्चों ने प्रेफरेंसेस भरी हैं, ठीक है जी, और इसमें 154,944 बच्चों ने प्रेफरेंसेस को भरा है, यानी कि 1.5 लाख, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के प्लस हैं, तो 1.5 लाख के प्लस बच्चों ने प्रेफरेंस भरे हैं। और अब आयोग सभी को प्रेफरेंस छोड़कर अन्य कार्यों के लिए 2 दिन का देगा समय, सिर्फ प्रेफरेंस नहीं और बाकी काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे कौन से पूरी बात बताएंगे। तो बचे हुए बच्चों को, उम्मीदवारों को बाद में प्रेफरेंस भरने का दिया जा सकता है मौका। तो इसमें ग्रुप सी पदों के लिए सभी आवेदकों को कैटेगरी अनुसार प्रेफरेंस भरने का मौका दिया था, यह मौका 2 अक्टूबर तक था। कुल 3,20,000 उम्मीदवारों में से 1,54,944 ने प्रेफरेंस भरा है। आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी के ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया भी इनमें से 1,46,973 ने अपना फॉर्म पूरा कर लिया था, जबकि 7,978 उम्मीदवार फॉर्म पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि प्रेफरेंस भरने के बाद उम्मीदवारों को उसका प्रिंट लेकर उस पर हस्ताक्षर कर सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद अपलोड करना था, ठीक है जी, वो अपलोड नहीं किया कर पाए, और कुछ उम्मीदवारों ने पुराने आवेदन का समय प्रिंट लेकर उसे अपलोड कर दिया, तो कुछ ने बिना हस्ताक्षर के अपलोड कर दिया, कुछ की शैक्षणिक योग्यता प्रिंट में पूरी नहीं दिखाई दे रही थी। और सैनी ने कहा कि इसलिए इन सभी 1,54,944 उम्मीदवारों को 2 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वे लॉग इन कर उसका प्रिंट ले सकें। जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूरी दिखाई नहीं दे रही थी, अब लॉग इन कर दोबारा प्रिंट लेंगे तो पूरी शैक्षणिक योग्यता दिखाई देगी, वे प्रिंट लेकर हस्ताक्षर कर उसे अपलोड भी कर दें। उन्होंने बताया कि जिनके हस्ताक्षर रह गए थे वे प्रिंट लेकर हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं, और जिनके हस्ताक्षर पुराने प्रिंट पर हो गए थे वे भी प्रिंट लेकर हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों ने जो प्रेफरेंस भरा उनमें से अब कोई अपडेट नहीं हो सकेगा, केवल प्रिंट लेकर ही अपलोड किया जा सकेगा, सिर्फ अपलोड कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है जी। और इसमें नेक्स्ट अपडेट है, जिन्हें लगता है कि उनकी प्रेफरेंस किसी अन्य ने भर दी है तो वे शब्द पत्थर दे या FIR दर्ज कराएं। ये सैनी जी ने कहा है भी किसी को लगता है भी मेरी किसी ने प्रेफरेंस गलत भर दी है, या वो तो सेल्फ अटेस्टेड शब्द पत्थर दे या अपनी FIR दर्ज कराएं, उसके बाद आयोग को मेल कर दें, तब आयोग उन्हें मौका दे सकता है। उन्होंने बताया कि आयोग के पास यह जानकारी है कि किसी IP एड्रेस से उनका, किस IP एड्रेस से उनका लॉगिन हुआ है। ऑब्वियसली बात है, किसी का भी कोई भी प्रेफरेंस ऐड किया तो उसका IP एड्रेस जरूर होता है, तो हर एक बच्चे का IP एड्रेस मिल जाएगा। किसी डेस्कटॉप से प्रेफरेंस भरी गई है, इसलिए जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वही शब्द पत्थर देंगे या FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि अगर गलत पकड़ा गया तो डाटा उसका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है जी, जिन्होंने गलत भर दिया तो उनका फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसी 300 शिकायतें मिली हैं, उनका समाधान किया जा रहा है। अब बात आती है ग्रुप नंबर 56 और 57 की। हाईकोर्ट में ग्रुप नंबर 56 57 में और 41 सवाल रिपीट के मामले सर्विस नहीं हो पाई, ठीक है, और जो बच्चे उम्मीदवार उम्मीद कर रहे हैं, लाखों बच्चों की ऐसे उम्मीदवार हैं, लाखों उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर हाईकोर्ट ने मंगलवार में सुनवाई तय हो रखी थी। आयोग ने अलग अलग 17 अपीलें दायर कर रखी हैं और ग्रुप सी के पदों के लिए ग्रुप 56 में 41 सवाल रिपीट की याचिका भी इन्हीं अपीलों के साथ जोड़ रखी है।
हाई कोर्ट में मंगलवार को जब सुनवाई के लिए केस का नंबर आया तो ऑफिस फाइल पर सभी प्रतिवादियों को सर्विस नहीं होने की जानकारी दी थी और खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पहले सर्विस कंप्लीट की जाए, अभी अगली सुनवाई की तारीख भी वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रही है। और बचे हुए 61 ग्रुपों के लाखों बच्चों को उम्मीदवारों को इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट से अगले ग्रुपों का पेपर के बारे में कोई निर्देश मिलेंगे या नहीं, मगर सर्विस कंप्लीट ना होने के कारण कोई निर्देश नहीं दिया जा सका और उनका इंतजार लंबा खिंच गया। ऑब्वियसली बात है और बढ़ गया, पहले फीस नहीं भरी, अब सर्विस ना हो कंप्लीट होने के कारण। दरअसल सिंगल बेंच ने फैसला दे रखा है कि सीटी स्कोर का सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ठीक कर दोबारा सीटी स्कोर जारी किया जाए और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, मगर आयोग सिंगल बेंच के इस फैसले पर अपील दायर कर दी और ग्रुप नंबर 56 का पेपर लेने की अनुमति मांगी और खंडपीठ ने इस शर्त अनुमति दे दी तो ग्रुप 56 में 41 सवाल रिपीट हो गए और अगर आर्थिक सामाजिक मानदंड के अंक ठीक कर लें तो और सीट स्कोर ठीक कर रिवाइज कर लें तो सीटी के ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्तियां पूरी हो सकती हैं, मगर आयोग ने पहली सुनवाई प्रोसेसिंग फीस के कारण लेट हुई और सभी अपीलें दायर नहीं की और बाद में ये अपीलें दायर की गई, अब सर्विस कंप्लीट नहीं हो पाई इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई, अब इसकी भी डेट आगे बढ़ गई है। यानी कि अब उम्मीद है ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो भी 16-17 अक्टूबर को बताया जा रहा है, अभी 16 या 17 अक्टूबर को होगा, बट ये आप जान सकते हो अभी तक ग्रुप सी की भर्तियां कंप्लीट नहीं हुई हैं और ग्रुप डी की कहां से कंप्लीट हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है ये भी लमकेगी। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी वो भी आपके साथ बता देंगे। और इसमें नेक्स्ट अपडेट है जी लास्ट, सीटी के परिणाम पर जारी रहेगी रोक। ठीक है, हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित की है और विभिन्न पदों पर सीटी जो परिणाम है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाई रखी थी और जारी रखने का आदेश दिया गया है और ये पहले 5 अगस्त को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के एकल बेंच के समक्ष सीटी में बिना दस्तावेजों की जांच के मुख्य परीक्षा आयोजित की चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी और सुनवाई करते हुए 5 और 6 अगस्त को होने जा रही परीक्षा पर रोक लगा दी थी। आदेश के तुरंत बाद इसे चुनौती देते हुए हरियाणा सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील भी दायर रखी थी और सरकार की अपील पर खंडपीठ ने सरकार को परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी और इसके बाद ये दोनों याचिकाएं विचाराधीन हैं और पहले दिन आयोजित परीक्षा के प्रश्नों का दूसरे दिन होने वाली परीक्षा में दोहराव का मामला भी हाईकोर्ट में पहुंच गया था और इस मामले में परीक्षा को रद्द करने और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई और इन सभी याचिकाओं पर अब हाईकोर्ट ने एक साथ एक ही बेंच में के समक्ष सुनवाई का फैसला लिया है। मंगलवार को इस मामले में तकनीकी कारणों से बहस नहीं हो सकी। आपको बता दें इसमें जो मैंने बताया पिछले भी नोटिस में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है जी, तो ये सर्विस कंप्लीट ना होने की वजह से इसमें थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी तो सुनवाई नहीं हो पाई। सिंगल बेंच और खंडपीठ दोनों के समक्ष याचिकाएं थी, ये लंबित हैं और एक साथ हो रही है सुनवाई। ठीक है, अब ग्रुप सी का मामला भी अटक गया है और ग्रुप नंबर 56-57 का भी और 61 ग्रुपों का भी मामला अटक गया है, हाई कोर्ट ने स्थगित किया है परिणाम अभी। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बहुत बड़ी रही है तो आगे आपको 2 दिन का टाइम भी दिया, प्रेफरेंसेस जरूर भरिएगा जो बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, तो 1,54,944 ने प्रेफरेंस भरी है और जो 7,978 रह रहे हैं वो अपनी प्रेफरेंस जरूर भर ले, 2 दिन का समय दिया जाएगा और ग्रुप सी की बाकी भर्तियां भी रुक रही हैं। ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम का नोटिस आ चुका है, ग्रुप डी का वो 1-2 दिन में लिंक एक्टिव हो जाएगा तो वहाँ से ग्रुप डी के एग्ज़ाम होने, उसकी 16-17 अक्टूबर फाइनल कर दी गई है। ठीक है, जैसे ग्रुप सी के ये क्लियर होते हैं वो भी आपके साथ सारी की सारी डिटेल बता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत अच्छी रही, बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।